हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैसा कमाना कितना आसान है, लेकिन कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन वो पैसे एकुमुलेट नहीं कर पाता, इकट्ठा नहीं कर पाता। लेकिन हर वक्त हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा लगा रहता है। उससे आगे निकलना, मुझे उससे आगे निकलना है। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए आप इज्जत भी कमाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए पैसा और इज्जत, आप थोड़े से छोटे छोटे उपाय करते हैं तो दोनों ही आपके पास रहेंगे। कैसे, हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे आप सिंपल और साधारण तरीके से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कामयाब होने के लिए प्रयास सभी करते हैं, लेकिन उन प्रयासों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे टोटके भी अपना लिए जाएं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास इज्जत भी होगी और लोग आपकी वाह वाह भी करेंगे। कैसे, हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताते हैं आज। पहला उपाय क्या करें, कभी भी घर में अंधेरा होने के बाद, यानी कि सूरज छिपने के बाद, घर के अंदर कभी भी झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ अप्रसन्न होती है और वो उस घर को झाड़ू के साथ साथ ही विदा कहती चली जाती है। इसीलिए अंधेरा होने के बाद, सूरज ढलने के बाद, सूरज छिपने के बाद कभी भी घर के अंदर झाड़ू ना लगाएं। मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य काम पर जा रहा है, सुबह काम पर जा रहा है, या कोई उस दूसरा काम करने के लिए घर से निकला है, तो निकलते ही उस इंसान के घर के सदस्य के घर से निकलते ही कभी भी झाड़ू ना लगाएं। यह एक अशुभ माना जाता है और जिस काम पर वह इंसान जा रहा होता है वो उसका काम नहीं बनता, उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। झाड़ू अच्छी तरीके से लेटा कर रखें, कभी भी उल्टी झाड़ू या खड़ी झाड़ू ना रखें, या फिर अपने जो घर है बाहर की तरफ से कूड़ा अंदर की तरफ ना लेकर आएं। इस तरह से उल्टी झाड़ू रखना और उल्टा या गलत तरीके से झाड़ू घर के अंदर नहीं देनी चाहिए और ना ही गलत तरीके से झाड़ू को घर के अंदर रखना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी माँ अप्रसन्न होती है और आपके घर से विदा हो जाती है। घर में नियमित रूप से पोछा लगना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में हर रोज़ पोछा या साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह हो रही है तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा। लेकिन हाँ, यदि आप गुरुवार को पोछा लगाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। गुरुवार को पोछा या डस्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। घर के अंदर जहाँ भी आपने मंदिर बनाया है अपना, उसकी डस्टिंग, उसकी साफ़ सफाई हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपके घर के अंदर सम्मान, तरक्की के रास्ते खुलते हैं और दूसरा, जो कमाई के मौके हैं, आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होती है। इसे हमेशा अपने मंदिर की साफ सफाई ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जल्दी करें। आखिरी और सबसे सिंपल सा उपाय, दोस्तों, आप घर में हर रोज़ पोछा लगाते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। हर रोज़ जब भी पोछा लगाएं, आप साफ सफाई करें तो उस पानी में सिर्फ एक चुटकी नमक डाल लें। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी प्रवेश करना चाहती है वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। सिर्फ एक चुटकी नमक से आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को भगा सकते हैं आप, और घर के अंदर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है और आपके तरक्की के रास्ते खुलते हैं, आपकी आय के संसाधनों में वृद्धि होती है और परिवार के अंदर स्नेह की भावना, आपस में मेलजोल की भावना बढ़ती है और जिससे तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल, हमें सुझाव भेज सकते हैं। हम आपके सवालों का, सुझावों का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।